नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनाइंटीज किड में। वो कहते हैं ना, जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई, बिल्कुल सही कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये मैसेज हर उस परिवार तक पहुंच जाए जो सीलिंग फैन मतलब छत वाला पंखा यूज करते हैं। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि किसी के परिवार के ऊपर पंखा गिर गया, किसी के ऊपर रात को सोते वक्त पंखा गिर गया। दोस्तों, ये पंखा गिरने की जो दुर्घटना होती है, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है कि अचानक कोई तेज हवा चली और पंखा गिर गया। ये पंखे असल में हमारी लापरवाही की वजह से या हमारी जानकारी की कमी की वजह से गिरते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि लक बाय चांस 2 दिन पहले ही मेरा सीलिंग फैन खराब हो गया था और मैं अपनी आदत से मजबूर यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी कि पंखा कैसे ठीक करते हैं और मैं बैठ गया पंखे को ठीक करने। फ्रेंड्स, अगर हम सीधे किसी इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाते हैं तो वो 2-4 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बताकर हमसे 1000-1500 रुपये चार्ज कर लेते हैं। इसलिए अपने लेवल पर एक बार घर में चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार थोड़ी बहुत ऑयलिंग कर देने से या फिर कैपेसिटर चेंज कर देने से भी फ़ैन ठीक हो जाते हैं या फिर फ़ैन की वायरिंग ख़राब हो जाती है, जो कि हम घर में भी ठीक कर सकते हैं। पर इलेक्ट्रिशियन हमें बताएंगे कि फ़ैन की मोटर फूक गई है या पूरी वायरिंग ही जल गई है, जो कि पूरी चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए एक बार घर में चेक कर लेना बहुत सही होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बोल्ट है जिसने पंखे की मोटर को और लॉन्ग रॉड को आपस में कनेक्ट किया हुआ था, ये 90% तक घिस चुका है या फिर बोल सकते हैं कट चुका है। और ये एक बोल्ट होता है जिसमें रबड़ लगी होती है, जिसकी मदद से हम पंखे को हैंग करते हैं। इसकी रबड़ भी 70% तक कट चुकी है। यकीन मानो दोस्तों, अगर ये पंखा ख़राब नहीं होता और 10-15 दिन और चल जाता तो पक्का ये पंखा मेरे या मेरे परिवार के ऊपर गिर जाता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हर 4-5 महीने के अंदर एक बार अपना सीलिंग फैन उतार कर उसके नट बोल्ट ज़रूर चेक करें और अगर वो घिस चुके हैं तो उन्हें तुरंत रिप्लेस करें। ऐसा करके आप अपने और अपने परिवार के साथ होने वाली दुर्घटना को रोक सकते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर उस परिवार तक पहुंच जाए जो इस वक्त एक छत वाले पंखे के नीचे बैठे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।